में अगर आप इसे खेलना चाहते हैं, आपको जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स इत्यादि की जानकारी होनी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर स्मार्ट, यू आर अवेयर, यू आर प्रेजेंट। और जिस तरीके से आपने प्रोमोस के अंदर भी देखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल आप लोगों के सामने आएगा उस सवाल के भीतर ही जवाब छुपा होगा। सो तो यहां अनलाइक अदर शोज कि मतलब कि आप लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं कि फलाना प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का है या अकबर का डेट ऑफ बर्थ क्या था या फलाना ढमकाना, आपके सामने इसी तरीके के सवाल आएंगे जो जिनके स्टेक्स बहुत हाई होंगे लेकिन जवाब भी आपके सामने ही होगा। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी अबाउट द गेम प्ले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आपको एक झलक दिखा देता हूं मैं शो की, राइट हियर। सो दैट्स द शो। थोड़ा फीलर आपको सवालों का मिला लेकिन मेरे ख्याल थ्योरी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकली खेल के देख लेते हैं। तो आप में से कौन खेलना चाहता है मेरे साथ, सबसे स्मार्ट कौन? Who would like to play first? कोई नहीं यार, पारस पारस, कौन बोला पारस पारस? ये कैसा सरनेम है जो फर्स्ट नेम और सरनेम एक ही है? चलो मैं आपको सरनेम दे देता हूं, एक पारस कोठारी, पारस कोठारी एंड शांतनु भटनागर वर्सेस तन्वी त्रिवेदी। वेलकम तन्वी एंड सना, वे सना वेलकम ऑन द स्टेज। How are you doing, Sana? Tanvi? How are you doing? It's all well, all well, all well. Kaise ho bhai? So, Paras and Shantanu and Tanvi and Sana. तो आज इंडिया तो आपके साथ खेलेगा नहीं, मगर आम तौर पे एपिसोड पे जब हम एपिसोड शूट करते हैं तो द होल कंट्री प्लेज अलोंग ऑन द हॉटस्टार ऐप। लेकिन आज सिर्फ आप लोगों को खेलना है एक दूसरे के अगेंस्ट, और अभी दूध का दूध और स्मार्ट का स्मार्ट हो जाएगा। आप दोनों में से कौन, दोनों टीमों में से कौन ज्यादा स्मार्ट है और कौन नहीं है यह पता चल जाएगा। जो हम आपको इस गेम के अंत में देंगे वो तो देंगे, लेकिन आपको एक बहुत ही कीमती मौका मिलेगा एक दूसरे को चढ़ाने का। सो प्लीज यूज इट टू द फुलेस्ट। बकायदा 50 सेकंड आपको दिए जाएंगे, एक जैसे भी मुंह बना के आप एक दूसरे को चढ़ा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप दोनों टीम्स में से सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है। ऑल राइट, सो एक काम करते हैं, क्यू कार्ड से इसीलिए पढ़ना मुश्किल होता है। वन शुड बी अ ट्रायल राउंड, एग्जैक्टली व्हाट। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ट्रायल राउंड खेलते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, किस महीने में लोगों को सबसे ज्यादा नींद आती है? ऑप्शन है फरवरी, जून, नवंबर, अगस्त, फरवरी। फरवरी के आगे आपको फाइनल कहना है तो ही आपका जवाब फाइनल। छह सेकंड्स पे आपने जवाब दिया है फरवरी, लेकिन आपने थोड़ा पहले दे दिया था। आपको क्या लगता है फरवरी है? कोई कहना चाहेगा क्यों फरवरी है, क्यों जून नहीं है? गो अहेड, द नंबर ऑफ डेज आर लेसर। लेकिन अगर कोई आदमी दोपहर में ज्यादा सोता है तो, बट लॉजिकली शी इज राइट, नंबर ऑफ डेज आर लेस इन फरवरी, विच इज वाई फरवरी वो महीना है जहां लोगों को सबसे कम नींद आती है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, यू एंड यू, वेल प्लेड, वेल प्लेड। लेकिन ये जो है ना, ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आभास हो जाए गेम कैसी है। अब वक्त है नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब शो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा मैंने कहा कि प्ले अलोंग तो है ही, जो लोग आएंगे, जो परिवार आएंगे, उनकी स्मार्टनेस, उनका कॉमन सेंस, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस तरीके से, यू नो, लाइफ भी ऐसी होती है कि आपके सामने जो इश्यूज आते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के अंदर जो है सॉल्यूशंस छुपे होते हैं। सो इफ यू लुक कीनली इनफ यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस। अब जो आपके सामने सवाल आने वाले हैं अगर आप उनको ध्यान से देखें तो इसके अंदर छुपे हुए जो जवाब हैं वो आप आसानी से देख पाएंगे। अब तन्वी एंड सना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, और ये रहा आपका सवाल आपके सामने। इस चित्र में कुरियर वाला किसके घर नहीं जाएगा? वक्त जा रहा है, 10 सेकंड्स लेफ्ट। मिस्टर खान फाइनल, मिस्टर खान फाइनल, 7 सेकंड्स पे आपने मिस्टर खान फाइनल कहा है। ये राउंड वन का पहला सवाल है।
पारस शांत मेरे पास आइए सर, आप एक जगह बहुत एक बार ये आपको लगता है कि ये हेन का भविष्य किसके अंदर है? ये कौन सी टाइम ट्रेवल मशीन में आपने इस हेन को रखा कि इधर कोने में पहुंची? एग, व्हाई डू गाइस फील इट इज द एग? मगर क्यों लगता है आपको कि एग है? बिल्कुल सही बात है यार, अंडे से चूजा निकलता है, चूजे से अंडा नहीं निकलता है। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर, प्लीज टेक अ सीट। बिल्कुल सही बात है। और आपने क्या सोच के डक बोला है भाई? किधर है डक? मुझे डक दिखाओ पहले। I couldn't see the picture clearly. You couldn't see the picture. मैंने आपको टोका, मैंने बोला आपको कि आप यहाँ आके नहीं देख सकते घूर के अच्छे से पिक्चर को। बट इट्स यू विल कीप दिस इन माइंड। मगर ये सुनहरा मौका जहां आप इनको जीभ दिखा सकते हैं, नाक चढ़ा सकते हैं, मुंह बना सकते हैं, वो बहुत जल्द आपके हाथ में आने वाला है यार। सो पारस एंड सो ऑलराइट ओके, तो ये हुआ दूसरा सवाल। राउंड वन का दूसरा सवाल खत्म हो चुका है, अब बारी है तीसरे सवाल की, विच विल बी फॉर यू तन्वी एंड सना। आर यू गाइस रेडी? ओके, तो ये रहा राउंड वन का तीसरा सवाल आप दोनों के सामने। राइट हियर। अंग्रेजी में 1 से 999 तक गिनती में ए कितनी बार आता है? 1, 12, 13 या 0? 0 फाइनल। हाँ, 0 फाइनल। 10 सेकंड्स पे आपने कहा है 0 फाइनल। 0 बिकॉज 1 to 999 इट्स न्यूमेरिकल। इसी को 50 लाख समझिए आप। थैंक यू फॉर प्लेइंग सबसे स्मार्ट कॉन विद मी। जोरदार तालियां हो जाए। वेरी वेल प्लेड। और आप दोनों को मिलता है मेरी मोहब्बत और मेरा आशीर्वाद। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। वेल प्लेड, वेरी वेरी स्पोर्टिंग। ओके, तो अभी भी अगर क्लैरिटी नहीं हुई है राउंड की, तो एक काम करते हैं, एक और राउंड खेल लेते हैं, द सेकंड राउंड। और इस राउंड के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, ये जिसने भी क्यू कार्ड रखे हैं ना ऐसे, इस क्यू कार्ड से क्या बताऊं मैं? ये किसी ने जेम्स बॉन्ड वाले पेन से लिखा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा इसके ऊपर। एक सेकेंड। ऑल राइट, सो इट्स टाइम फॉर द रिमेनिंग टू टीम्स। कौन खेलना चाहेगा यार, आप लोग बताओ मुझे, है कोई आना चाहेगा स्टेज पे खेलना चाहेगा? सबसे स्मार्ट कौन? ये सबको इतना डर लगता है गलत जवाब देने से। मैं बुला लेता हूं, एक काम करते हैं, किरण जैन एंड राज दीक्षित ऑन द स्टेज वर्सेस गरिमा शर्मा एंड सोना घोष, सोमा घोष। किरण राज, राज किरण, आ जाओ भाई राज किरण। हाय, हाउ आर यू डूइंग? हाय गरिमा जी। ऑलराइट, गरिमा चंद्रा एंड सोमा घोष, स्वागत प्लीज। कैसे हो भाई, क्या खाता है यार? हाँ, सिर्फ खाई रहा है। हाउ आर यू डूइंग? सो एक तरफ है सोमा एंड गरिमा और दूसरी तरफ है राज किरण। राज किरण, आप दोनों का नाम एक साथ भी बहुत अच्छा लगता है। मुंह बोले भाई बहन। अच्छा, पहले ही, मतलब इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, पहले आप लोगों ने मुंह बोले भाई बहन वाला एंगल डाल दिया। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। वही सेम है, मिलना आपको चॉकलेट है, वो चॉकलेट भी अनमोल है। सबको मिलनी चाहिए चॉकलेट। चलो ठीक है यार, मतलब मैं, अच्छा ठीक है, तो ये आप मुझ पर छोड़ दो, ये आप मुझ पर छोड़ दो। जो जो जीते उसे भी, जो ना जीते उसे भी, लेकिन जो जीतेगा उसको एक और मौका मिलेगा। क्या करने का? 50 लाख जीतने का। मैं, अगर आप खेलने के लिए वहां पे आए ना, तो मुझे अपने चेक में से 50 लाख रुपए काट के आपको देने पड़ेंगे। खैर, राज किरण तैयार, गरिमा एंड सोमा रेडी? ऑल राइट, तो पहला सवाल के लिए आएगा, देखते हैं कि आप राज किरण के अगेंस्ट स्मार्ट साबित हो पाते हैं कि नहीं। देखते हैं इन दोनों में से सबसे स्मार्ट कौन है। एंड आपका पहला सवाल इज राइट हियर। एक टोकरी में 5 सेब हैं, आपने यदि उनमें से 3 ले लिए तो आपके पास कितने सेब बचे? 5, 3, 2 या 0? टाइम अप। 5 राज, 5 ओके। आप एक बार फिर से 2-3 सेकंड लेके जवाब देना चाहेंगे? अगर आप देते तो क्या देते? 5 ही देते। बचे
कौन कौन तीन बोल रहा है? हाँ, इनके नाम नोट कर लो, ये सबसे स्मार्ट कौन में नहीं आएंगे, 50 लाख दिए जाएंगे ये लोग। यू राइट, तीन ही करेक्ट आंसर है क्योंकि आपने तो तीन ही सेब लिए हैं। टोकरी में बेशक 5 सेब हैं, बट यू हैव टेकन 3। वेरी वेल प्लेड पारस, तन्वी एंड इफ एनीबडी एल्स आल्सो आंसर, वेरी वेल प्लेड। मूविंग ऑन, चलिए पहले सवाल का जवाब देने में आप चूक गए, लेकिन ये लोग आपसे यंगर हैं और इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं, तो वैसे भी आप इनको चढ़ा सकते हैं अगर ये जीते तब भी। राजकिरण, योर टर्न, रेडी? ओके, तो ये रहा आपका सवाल आपके सामने। इनमें से कौन सा टुकड़ा लाल कागज से काटा गया है? 1, 2, 3 या 4? ध्यान से देखिए। पांच सेकंड्स बाकी हैं। 4 तीन सेकंड्स बाकी थे आपके पास और आपने 4 को टच किया है। फोर, वन, थ्री। थ्री कौन बोल रहा है? थ्री। आपने थ्री बोला? थ्री है। ओके, आपने ध्यान से तस्वीर देखी? मैंने बार बार ये कहा है कि जो जवाब है वो सवाल के भीतर ही छुपा हुआ है, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा इस फोटो को? किस किस को लगता है कि तीन है? आपको लगता है तीन है? और किसको लगता है तीन है? आपको भी तीन लगता है? Who feels that it is one? What about you, Rajkiran? आपका जवाब गलत है। दो कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करिए। दो आप लोग, जो लोग भी दो बोल रहे हैं ना, यू गाइज आर राइट, बिकॉज सही जवाब दो ही है। अगर आप इसको, ये जिस तरीके से इसको रखा गया है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये यहां इसमें फिट हो जाएगा। सो वेल प्लेड। अगर आप ये मेरे साथ मेरे सेट पे खेलते सबसे स्मार्ट कौन के, तो लाखों रुपए आपके होते। सो वेल प्लेड। हाँ, तेरे को पता है ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर तू मुझे जानता है तो वहां के खेल नहीं सकता है, मैं चाह के भी नहीं बुला सकता, वरना सारा हर एपिसोड का पैसा रवि दुबे रिलीफ फंड में जाता। ऑल राइट, तो आपका सवाल भी हो गया। एक बार फिर से बारी आपकी आ गई है, फिलहाल 0-0, मगर ये मौका है कि आप एक लीड ले सकते हैं और उस चॉकलेट पे अपना हक बना सकते हैं। सो आर यू रेडी? ओके, तो ये रहा आपका सवाल आपके सामने, राइट हियर। ऐसी कौन सी जगह है जहां वैसे तो काफी लोग रहते हैं पर बच्चे खुद अक्सर अकेला महसूस करते हैं? पार्क, शॉपिंग मॉल, परीक्षा गृह या फिर सिनेमा हॉल? कौन सा जवाब सही है? परीक्षा गृह। ऑल राइट, परीक्षा गृह फाइनल। परीक्षा गृह। अब क्यों आपको कि परीक्षा गृह? ऐसी कौन सी जगह है जहां वैसे तो काफी लोग रहते हैं पर बच्चे खुद को अक्सर अकेला महसूस करते हैं? उन बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ना चाहिए था। बड़ा आपका जवाब बिल्कुल सही है, वेरी वेल प्लेड। परीक्षा गृह एक ऐसी जगह है जहां पे ढेर सारे लोग रहते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस करते हैं। दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स, दे आर कंटेंप्लेटिंग ऑन द आंसर्स। सो वेल प्लेड, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी वेरी वेल प्लेड। राजकिरण, अब सालों की कमाई हुई इज्जत ताक पे है, 50 लाख रुपए और चॉकलेट दोनों हाथ नहीं आने वाले। अगर आपने ये सवाल का जवाब जो है वो गलत दिया तो इस राउंड का आखिरी सवाल और इस मॉक गेम प्ले का भी आखिरी सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है। आर यू रेडी राजकिरण? देखो यार, 50 लाख का भी मोल होता है, इज्जत अनमोल होती है, एक बार गई तो वापस नहीं आती है। ऑलराइट, देखते हैं दोनों टीम्स में से स्मार्ट टीम कौन सी है। एंड योर क्वेश्चन इज आपके सामने। नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा है, बताएं वह अंडा नदी की तरफ देगा या जमीन की तरफ? नदी की तरफ, जमीन की तरफ, बीच में इनमें से कोई नहीं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज मेरे को लगता है कि वो जमीन की तरफ ना सर, जमीन की तरफ। सर कबूतर से अंडा दिलवा के दिखाओ पहले आप। हाँ, कब बोला आपने? टाइम खत्म होने के बाद, और इतना टाइम लगता है? तू तेरा बस चलता है, इसको 5 सेकंड और देता ना, ये कबूतर अंडा दे देता इसके चक्कर में। ये जो ये पता है उसने वो, ये अंडा कहाँ गया? ये अंडा यहाँ है। इज्जत कहाँ बचाई आपने? 0 सेकंड्स के बाद इनमें से कुछ नहीं।
चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ आप दोनों से, और राज को तो मैंने बढ़ते देखा है अपने सामने। हाँ जी, पार्शियलिटी कर सकते हैं? नहीं, पार्शियलिटी नहीं करेंगे मेरे ख्याल। द विनर्स आर डेफिनेटली कर्मा एंड सोमा, लेकिन आप लोगों ने भी अच्छा खेला, लेकिन टाइम के बाद खेला। तो अगर आप तो वैसे तो जनरली कबूतर अंडे नहीं देता, लेकिन इस कबूतर ने दो अंडे दिए। बट बोथ द टीम्स हैव प्लेड वेरी वेरी वेल, लेकिन वो नायाब अनमोल जो चॉकलेट्स हैं वो आपके हाथ में आने वाली हैं, और उम्मीद है कि आपके परिवार में से कोई दूर दराज का रिश्तेदार कोई हमारे शो पे आए और लाखों रुपए लेकर के भी जाए। एंड द सेम गोज फॉर यू, एंड द सेम गोज फॉर एवरीबडी हु इज देयर इन दिस हॉल। सो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच राज। क्या थैंक यू बे, तू तो हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिया, हाक थू। मैं राज को, मैं आई थिंक आई बीन सीइंग राज फॉर द लास्ट, कितने साल हो गए राज? 10-12 साल हो गए। रणबीर रानो के टाइम से आ रहे तू, कुछ तो शर्म करे यार। वेल प्लेड राज, राज एंड किरण, वेल प्लेड। सो या दैट्स व्हाट द गेम इज। अब गेम का एक ब्रॉड फीलर आपको मिल गया, हालांकि हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने खेल रहे हैं गेम, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस, जस्ट टेक दिस प्लीज, सॉरी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस गेम के, थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस गेम के जो आप यहाँ नहीं देख पाए हैं। देर इज इट्स अ विजुअल स्पेक्टिकल, जो आपने शायद इस फुटेज में भी देखा होगा, एक ऐसी चीज है हमारे सेट पे जो विजुअली बहुत अपीलिंग है, जो आज तक आपने किसी और रियलिटी शो पर नहीं देखी होगी। वी आर यूजिंग दीज थिंग्स कॉल्ड काइनेटिक लाइट्स, दे आर ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं, तो विजुअली एक एस्थेटिक सेंस जो है स्टेज पर आता है। उसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा कि विद एवरी पासिंग क्वेश्चन आपकी स्मार्टनेस का ये टेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और स्टेक पे जितना अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। सो दिस वॉज अ फन वे टू टेल यू ऑल कि ये गेम प्ले कैसा है, लेकिन ये गेम जितना मजेदार है उतनी ही ज्यादा चीजें स्टेक पे हैं, उतने ही लोग जो स्टेज पर आते हैं सबसे स्मार्ट कौन खेलते हैं हमारे साथ। मैंने कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी शूट कर लिए हैं, और जिंदगी बदलने की ताकत रखता है ये शो। स्टार प्लस पे आने वाला है 4 जून से 6:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस नाउ यू कैन गो अहेड। जी कौन लेके आया मशीन गन अपने साथ में? थैंक यू वेरी मच। सो या, हाँ जी, हाँ रवि, आप इतने अच्छे एंकर हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, पर इस तरह का प्रोग्राम करने में आपने इतनी देर क्यों लगाई? मिला नहीं। नो, बट द दिस थिंग इज दैट आई थिंक एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट लेवल जब तक नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट को, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट हाँ कहना भी ठीक नहीं होता। तो आई थिंक इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने, उसमें एक आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन अबाउट लेस ऑफ पुटिंग माई ब्रेन इन टू इट एंड मोर ऑफ वॉट आई एम फीलिंग हियर, एंड आई फेल्ट रियली गुड हियर। और वो जो जो मेरी फीलिंग थी वो ट्रांसलेट भी कहीं ना कहीं स्टेज पर हो रही है, जब मैं देखता हूँ कि एक परिवार जो है, जो जिसकी एक आर्थिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जब वो यहाँ से लाखों रुपए लेकर के जाता है और किस तरीके से उसका जीवन चेंज होता है, द जॉय ऑन देयर फेसेस, आई थिंक इट्स ऑल वर्थवाइल। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम, यू नो, दैट स्टार प्लस, ऑप्टिमिस्टिक्स, विपुल जी, गौरव, ऑल ऑफ दीज पीपल, दे हैव हैड सो मच फेथ इन मी। हाँ जी सर, जी हाँ, ये जो टाइमिंग होता है वो तो खैर चैनल के हाथ में रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है दैट लोग इंगेजिंग कंटेंट देखते हैं, और वो इंगेजिंग कंटेंट वो उस स्लॉट पे हिंज नहीं करता जिस स्लॉट पे शो आता है। और मुझे लगता है कि जो जब लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली बात होती है तो वो वक्त निकाल के कभी भी आते हैं और कभी भी देखते हैं, तो मेरी उम्मीद ये है कि वो ज़रूर सबसे स्मार्ट कौन देखेंगे। सर, ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जी, और इस पर
पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं जी। सर क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे? उद्देश्य ये है देखिए कि अब तक जो गेम शोज आपने देखे होंगे, जो बहुत बड़ी तादाद में आपने कई कई दफा देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि दैट एक सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स, सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट हिस्ट्री ज्योग्राफी, एक सर्टन परसेप्शन आपको बनाना पड़ता है सवाल के आजू बाजू। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। अव्वल तो हम लोग एक और धारणा है ऐसा लोगों के बीच में माना जाता है कि एक कंपनी का जो सीईओ है वो हमेशा उस कंपनी के एक पीएन से या फिर सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा स्मार्ट होगा। यू नो दैट्स अ थॉट, दैट्स अ पॉपुलर कल्चर बिलीफ, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये हर रोज आप स्टेज पर देखेंगे, हर रोज आपको कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका वोकेशन, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी है जहां आप एक धारणा शायद उसके बारे में बना करके रखेंगे कि स्मार्टनेस में इसका हाथ तंग होगा, लेकिन हमेशा वो आपको गलत साबित करेगा और वो ऐसे सवालों के जवाब देगा जो शायद उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ कोई ऐसा इंसान जिनसे उम्मीद ज्यादा होगी वो नहीं दे पाएंगे। सो दैट पीपल आर गोइंग टू रियली सरप्राइज यू कि स्मार्टनेस इज वो बहुत डेमोक्रेटिक है इन नेचर। उसका एज से, किस प्रांत से आप हैं, या फिर क्या काम करते हैं आप, कितना कमाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। सो इट्स आई थिंक इट्स प्रेवलेंट एवरीवेयर। हाँ जी सर। हेलो, जैसे क्वेश्चन का टाइमिंग जो है आपने कितना 10 सेकंड रखा है? नहीं जी, वो आप थोड़ा सा रुक जाइए, वो चार जून से आ ही रहा है। अच्छा, सारे क्वेश्चन के टाइमिंग का मतलब है कि इसमें जैसे केबीसी में आता है ना जो लाइफ टाइम अलग से अलग अलग देते हैं दो ऑप्शन, मतलब हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे उस आपका कुछ आपने एक फीलर लिया ही क्वेश्चंस का जिसमें कि ऑप्शंस थे। सो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, तो वो थोड़ी देर में पता चली जाएगा। एक क्वेश्चन, हाँ जी सर। सर सर सबसे स्मार्ट कौन में खास क्या है, सबसे ज्यादा खास क्या है सर? खास सबसे स्मार्ट कौन में, देखिए जो फैमिलीज आती है ना इस शो में वो इस शो की असली हीरोज हैं, बाकी सब अपनी जगह। मतलब ये जो कुछ भी किया गया है, चाहे वो मेरा वहाँ पे होना हो या फिर जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो और थोड़ी एक गार्निशिंग करती हैं शो की, या फिर जिस तरीके के सवाल है, एंड ऑफ द डे इट इज़ सेलिब्रेटिंग कॉमन पीपल जो इस शो पे आएंगे, लाखों जीत सकते हैं हर एपिसोड में और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में लेकर के जा सकते हैं। आपकी मुझसे एक लाइन की बात हो, ये प्रोग्राम क्या उन लोगों के लिए है जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं? ऐसा जरूरी नहीं है सर, ऐसा जरूरी नहीं कि वो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन अगर बैठे हैं तो अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं भी बैठे, मान लीजिए एक आदमी जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो उसकी सोच ये होगी कि किस तरीके से वो अपने सर्वाइवल के लिए वो लाखों रुपए जो है अपने जीवन में उसका एक योगदान रहेगा उस बड़े अमाउंट का उसके जीवन में। लेकिन जो समाज की अंतिम पंक्ति में नहीं है, जो आगे है, वो ये सोच सकता है कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को कैसे बेहतर करे उस अमाउंट के साथ। यू नो, सो हर हालत में उस अमाउंट का उस रुपए में एक वजन है, मतलब उस अमाउंट में एक वजन है, वो चाहे वो अपने लिए इस्तेमाल करे, अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके जीवन को वो बेहतर कर सकता है उनके लिए इस्तेमाल करे। एनीथिंग एल्स? हेलो रवि। हाय मैम, हाउ आर यू? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, माफ कीजिएगा थोड़ी लेट आई हूं मैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लेट ही आया हूं मैम। अमूमन अपने यहाँ जो टीवी शोज होते हैं, किसी न किसी विदेशी चैनल्स के शो की कॉपी होती है जी। क्या ये भी किसी शो का अनुकरण है, और इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए क्या किया जाए? पार्टिसिपेट होने के लिए देखिए, जिस अव्वल तो ये नहीं किसी शो का अनुकरण नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा दैट इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग स्मार्टनेस, जो अब तक आपने, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने भी एज अ कंज्यूमर टेलीविजन इंडस्ट्री को देखा है, अब तक आपने कोई ऐसा शो नहीं देखा होगा जहाँ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को सेलिब्रेट किया जा रहा है और जहाँ चाहे सवाल लाखों का है लेकिन जवाब भी आपके सामने है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, सो इन दैट सेंस इट इज अनप्रेसिडेंटेड, इट्स नॉट हैपेंड बिफोर। दूसरी बात, आपका मतलब इट्स नॉट अ टैलेंट बेस्ड शो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा गाना गाना आना चाहिए या अच्छा आप किसी प्रांत से कहीं से आप होने चाहिए। सो आई थिंक स्टॉपलेस ऑप्टिमिस्टिक्स हैज पुट टुगेदर अ वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ फैमिलीज, कि वो कौन है जो यहाँ पे आए, वो कौन है जिनके जीवन में ये रुपए जो हैं वो मायने रखते हैं, वो कौन है जो इस अमाउंट के साथ ही नहीं बल्कि स्टेज के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके इस तरीके के परिवारों को लेकर के आया गया है। Hi ma'am, how are you? Very well, thank you. What I can understand, like whatever we saw, it's more about being alert. Right. And common sense. Right. Not to do with education and no, stuff. No, not at all. So
would there be lifelines as well? That's a part of the gameplay. So I would encourage you to see it on the 4th of June. And so that, unfortunately, I'm not at liberty to share with you the dynamics of the game. What I can share with you that the opportunity is huge. The opportunity is huge because at all times, no matter what is at stake, the answer is right in front of you. It's all about opening your eyes. So it's kind of a miniature model of life itself. You know, in the sense that, you know, you sometimes we are looking at life with blinders on. And we don't understand that, you know, there is, it's right here. And we can use this as a pedestal for growth. So it's quite like that. Like, you know, the problem hai, lekin problem mein chupa hua solution aapke saamne, aap dhoond sakte to dhoond lijiye. Is there anything else, ma'am, from you? Okay. पार्टिसिपेट मैंने वही बताया अभी कि स्टार प्लस ऑप्टिमिस्टिक्स ने मिलकर के एक बहुत ही एक अच्छा तरीका जो है निकाला गया है किन लोगों से वो उस अमाउंट से किन जिंदगियों को फर्क पड़ता है किस तरीके से वो वहां आकर के वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो सब बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक पूरा जो है हिसाब किताब बनाया गया रवि हाय हाय हाउ आर यू गुड गुड अच्छा रवि सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो सवाल हैं ये वाकई मतलब आपके स्मार्ट होने की बहुत जरूरत है जब आपको आंसर देना है जी इट्स नॉट डिफिकल्ट नो बट इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड तो जब ये क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो कई बार आपको खुद रियलाइज होता है ओह शिट ये तो मुझे भी नहीं पता था होता है जी कितनी बार हुआ है हुआ है दो तीन बार हुआ है क्यों मैं सरेआम क्यों मैं इंडिया के सामने अपनी बेइज्जती करूं यार सारे सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं हो सकते ना लेकिन मैं नहीं बताता किसी को कि मेरे को पता नहीं था ये आप देखो जी आप लाख रुपए जीत रहे हो लाखों रुपए जीत रहे हो आप जीत रहे हो अब आपको पता होना चाहिए था नहीं पता तो मैं तो चुप रहता हूँ ना कोने में खड़ा हो जाता हूँ कि मेरे को भी पता नहीं था ये बताने की क्या जरूरत बट मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं देयर आर मेनी टाइम्स दैट दीस क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे ऑब्वियसली जज योर स्मार्टनेस आई कैन प्राउडली से दैट मतलब व्हेनेवर आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम प्ले व्हेन इट्स हैपनिंग जैसे सब लोगों के दिमाग चल रहे थे यहाँ पे हालांकि दो टीम्स खेल रही थी लेकिन एवरीबडी वॉज ऑन इट यू नो एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू थिंक इसका जवाब क्या हो सकता है तो ये गेम ही ऐसा है मैं भी वहां पे खड़ा होकर कई बार उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कई बार ओवर एनालाइज कर जाता हूँ कई सवाल ऐसे भी होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई लेड जवाब आकर के निकलेगा लेकिन द ऑब्वियस इज द आंसर सो दैट्स व्हाट इट्स यू नो द गेम विल ऑलवेज ट्रिक यू इनटू sometimes look at the obvious and sometimes look at what is not obvious so yeah so even and the questions are such that even I don't know them Before going on stage, मुझे खुद नहीं पता होता they come as a surprise to me because obviously there is a lot at stake with the questions also. So that liberty can't be taken with anybody, including me. You also said कि audience can play along. What is that and how? हाँ तो Hotstar app पर पूरा इंडिया खेल सकता है and simultaneously while the episode is going on, जो सवाल जो है contestants की screens पर होंगे वही सवाल उनके स्मार्टफोन पर होंगे Hotstar app पर तो if अगर लाखों वो कमा रहे हैं तो आप भी लाखों कमा सकते हैं खेलते खेलते Okay, Ravi, coming back to my first question, which I asked you. तो जैसे आपने कहा कि काफी बार आपको भी नहीं पता होता है तो ये सारी चीजें जाके आप सरगुन पे ट्राई करते हैं ये सारी चीजें जाके सरगुन मतलब पे ये सारे क्वेश्चंस जो आपको भी नहीं पता होते वो मुझे उन सारी चीजों से बहुत डर लगता है जो सरगुन मुझ पे ट्राई करती है तो मैं ऐसे पंगे नहीं लेता अपनी बीवी के साथ ओके थैंक यू श्योर एनीथिंग एल्स मैम सर्स Yeah. All right. So we'll break one more. Ready, go, go. ज़्यादा धूप आ रही है क्या आ रहा है नहीं नहीं हम लोग क्या अच्छा बूमरैंग बना ले
सबसे स्मार्ट कौन? सो इट्स अ फैबुलस शो, यूनिक है, वन ऑफ इट्स काइंड है. जनरली क्या है कि आप जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो इट्स अ वन ऑफ अ काइंड गेम शो इन मेनी मेनी स्पेसेस, इट्स नॉट बीन ट्राइड बिफोर. सो या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. आई थिंक दे आर वेरी वेरी स्पोर्टिंग एंड उनका वैल्यू एडिशन जो गेम में था वो बहुत ही ज़बरदस्त था. सो इट वॉज वंडरफुल. प्रेपरेशन प्रेपरेशन ऑब्वियसली हर कैरेक्टर के लिए करना पड़ता है, चाहे वो प्रोमो हो या पूरी पिक्चर. सो इट वॉज फैबुलस एक्सपीरियंस टू प्ले द शाह एंड वंडरफुल. नहीं, फिलहाल तो नहीं. इट्स द वो प्रोमोज के जो किरदार हैं वो जो है आपको एक बार कहानी बताने का एक ज़रिया है कि किस तरीके से मैं आपको जो है कह सकता हूँ कि अबाउट द मतलब एक डिवाइस है जिस तरीके से हम आपको एक इंटरटेनिंग तरीके से आप गेम के बारे में समझा सकते हैं. अलग है, अलग है, क्योंकि सवाल अलग हैं, लोग अलग हैं, परिवार अलग हैं, कहानी कहने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है. अच्छा, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे तो जो हॉटस्टार जो दिया गया है.